दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की 30 बड़ी खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा वीडियो देख करके आप लोग जाओगे। मानदेय खबर के साथ साथ आप लोगों को ऐसी कई खबरें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दोपहर में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि आंगनबाड़ी बहनों से खेतीबाड़ी कराई जाएगी, लेकिन अब उसका सरकारी आदेश भी मेरे पास आ चुका है और यह सिर्फ बिहार राज्य में ही लागू नहीं है, राजस्थान राज्य में भी लागू है। तो आइए देखते हैं उस सरकारी आदेश में क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी सब्जियां आंगनबाड़ी बहनों से उगवाई जाएंगी और क्या क्या होगा, किसकी देखरेख होगी, क्या क्या काम और जिम्मेदारियां आंगनबाड़ी बहनों पर बढ़ने वाली है। तो ऐसे में बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देख करके भाई बहनों जाना, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया करो, अपनी सभी आंगनबाड़ी बहनों को चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब करके उनको भी बेल दबवाइए। बढ़ते खबरों की तरफ, सबसे पहले आपको बता दें अरुण पासवान भाई हमारे बिहार से, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी और जानकारियां धीरे धीरे करके मैं बढ़ रहा हूं, पूरा वीडियो देख लेना, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, हर समस्या का समाधान भी आपका हो जाएगा। सुधांशु भाई और इसने आप जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें भाई, नई दिशा जो है आपके नई दिशा निर्देशों से सेविकाओं को अच्छी जानकारी मिलती है। बाल विकास परियोजना कार्यालय के नगर पूर्णिया के अंतर्गत सहायिका की एक माह की मानदेय की राशि 2825 रुपया दिनांक 17/8/2020 को आ गई है। अरुण पासवान प्रखंड संरक्षक के नगर पूर्णिया, तो हमारे भाई ने कहा बिहार में पूर्णिया में जो है 17 तारीख को यानी कल के दिन एक माह की जो है राशि वगैरह आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं, और भी जानकारियां हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ये देखिए उन्होंने मुझे ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी भेजा है, ये आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, और भी जानकारियां, जैसे ये हमारी एक बहन है, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी है, कुमारी सुनीता बहन है, कोड संख्या 103 है, करताही परियोजना गुरुआ वगैरह जिला गया बिहार से है, और उन्होंने जो जानकारी भेजी वही वाली आंगनबाड़ी सेविका सीखेंगी खेतीबाड़ी, इसके बारे में तो मैंने दोपहर को बता दिया, इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं सीधा सरकारी आदेश आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो अभी इसको तो मैं दिखा चुका हूं दोपहर में ही, बहन को पता नहीं होगा। ऐसे हमारे एक और भाई है, उन्होंने भी मुझे यही भेजा है, यहां पर बबलू निगम भाई है बिहार से, उन्होंने भी यही जानकारी भेजी, ये सब तो मैं दिखा चुका हूं, मैं आपको मेन चीजें अभी दिखाऊंगा सरकारी आदेशों में क्या है, आंगनबाड़ी बहनों से जो खेती बाड़ी कराई जाएगी उसमें क्या क्या जो है पौधे लगवाए जाएंगे, कैसी निगरानी रहेगी, सब बताएंगे। देखिए अरुंधति बहन है, उनका भी मैसेज है, उन्होंने दो मुझे जानकारी भेजी, दैनिक जागरण वालों की तरफ से यह खबर छपी है, नए आदेशों का आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने विरोध वगैरह किया, इसके संबंध में है। सुधांशु भैया, मेरा नाम अरुंधति है, यूपी से है, और साथ ही एक और हमारी बहन है, ये देखिए उन्होंने भेजा है, समसाद बेगम बहन है दरभंगा बिहार से, उनका दरअसल यहां पर कहना है कि सेविका सहायिका का प्रदर्शन 19 को होगा, कहरा वगैरह से है, अपने मांगों के समर्थन में सेविका व सहायिका के द्वारा 19 अगस्त को जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन की जाएगी, यह जानकारी संघ के जिला अध्यक्ष गुड़िया कुमारी व जिला मंत्री रीता देवी ने दी है, जिला अध्यक्ष ने कहा है कि नियमितीकरण सहित अन्य मांग वगैरह इसमें शामिल है, तो आइए देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आगे चलते, एक और बड़ी खबर आपको सबसे पहले दे दे, फिर हम बागवानी वगैरह उन्हीं सब चीजों पर खेतीबाड़ी पर डिस्कस करने वाले सरकारी आदेश पर। ये देखिए आपकी जो है यहां पर केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, तो ऐसे में उन्होंने 151 आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया है, और यह हाल ही की खबर है और हिंदुस्तान वालों की तरफ से आई है। उनका कहना है कि कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री ने क्या क्या ऐलान किया, मैं आपको बता दूं, यहां पर 16 अगस्त को जो है परसों के दिन 2020 को यहां पर सखी ऐप का उद्घाटन उन्होंने किया है, तो एक सखी ऐप का उद्घाटन किया गया है। तो आगे बता दें, स्मृति ईरानी ने यह उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। स्मृति ईरानी के साथ में यह भी कहा गया है कि आगामी एक साल में 500 और आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि सखी ऐप का जो उद्घाटन है वो यूपी जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में यह जो है आपका एक ऐप है सखी ऐप, उसका उद्घाटन हुआ है। तो ऐसे में बता दें यहां पर 151 उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों को यहां पर किया गया है। तो साथ ही बता दें अमेठी जिले में जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अरुण कुमार जी, उनके हवाले से प्राप्त जानकारी ये सारी आ रही है। साथ ही बता दें इसमें 1943 आंगनबाड़ी केंद्र कुल शामिल है अमेठी में, जिनमें से फर्स्ट राउंड में 151 आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। विकसित किए गए इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था वगैरह भी कर दी गई है। साथ ही बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने का यह कार्य एक स्वयं संस्था सेवा है जिसका नाम है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वगैरह, तो उसके जरिए जो है किया जा रहा है। अब आगे और भी बता दें इसी के बारे में जानकारी कुछ और है, यहां पर यह भी लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था ऑपरेशन कायाकल्प के तहत संबंधित ग्राम पंचायतों में उपलब्ध 14वें वित्त आयोग की धनराशि वगैरह से की जाएगी। साथ ही और भी बहुत कुछ लिखा हुआ, ऐसे ब्लॉकों के नाम भी है, कहां कहां के केंद्र बदले हैं, ऐसे ही लिखा है जगदीशपुर और तिलोई ब्लॉक
में 30-30 ब्लॉक, बहादुरपुर ब्लॉक में 12, भेदुआ और सिंहरपुर ब्लॉक में 11-11, अमेठी बाजार शुल्क, गौरीगंज, मुसाफिर खाना, ऐसे काफी जगह के केंद्र है जहां आपको जो है ये सब बदलाव देखने को मिले हैं। तो फिलहाल के लिए फर्स्ट राउंड में 151 केंद्र अमेठी के जो है उत्कृष्ट बनाए गए हैं। ऐसे धीरे धीरे और भी जगह यही चीजों को आगे लागू किया जाएगा, कायाकल्प तो हो ही रहा है। आगे चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये आप लोग एक और लेटर देख लो, फिर हम सीधा उस लेटर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। काफी खबरें हैं तो एक एक करके मैं दे रहा हूं, आप लोग देखते जाइए, पूरा वीडियो को देखा करो। और भाई जो पूरा नहीं देखेगा उसको समस्याएं होगी, वो मुझे व्हाट्सएप पर ही पूछेगा, और जो व्हाट्सएप पर पूछेगा उसका भाई रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। व्हाट्सएप पर यदि आप कोई सूचना भेजना चाहते हो तो हमें भेज सकते हो, आपकी आवाज चैनल पर उठाई जाएगी। बाकी आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप कर सकते हो। ये देखिए हमारे पास सरकारी आदेश है, इसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूं। लखनऊ से जारी है इंदिरा भवन की तरफ से जो है राज्य पोषण मिशन का, 17 अगस्त को यानी कल के दिन यह लेटर जारी हुआ था, जिला कार्यक्रम अधिकारी का है। सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यानी लेटर भेजा गया, और जो लेटर है वो राज्य पोषण मिशन की तरफ से है। तो देख लीजिए ICDS कैश के क्रियान्वयन के संबंध में, जो आपकी फोन है उसमें कॉमकेयर LTS यानी ICDS कैश मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर काम करने को लेकर के बातें कही जा रही है। स्थिति के बारे में बात है कि होम विजिट में 65% जो है 65.88%, ऐसे ही ग्रोथ मॉनिटरिंग में 41.15%, टेक होम राशन में 49.12%, ऐसे सब परसेंटेज है, बहुत ही कम है। लेखा आयुक्त के क्रम में कैश डैशबोर्ड आपके द्वारा जनपद की माह जुलाई 2020 की सर्विस जो है डिलीवरी स्टेटस की स्थिति असंतोषजनक पाई गई है, जिसका विवरण निम्नवत भी दिया गया है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर काफी चीजें लिखी है। व्हाट्सएप ईमेल द्वारा अवगत भी कराया गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से डैशबोर्ड का मॉनिटरिंग करते हुए सुनिश्चित करें कि सर्वे के अनुसार समस्त जो है यहाँ पर परिवार पंजीकृत किए गए हैं। नियमित रूप से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा समस्त सूचनाओं तथा टेक होम राशन यानी THR, विचसंडी, वजन, गृह भ्रमण आदि जो एंट्रियां हैं वो आपके कैश एप्लीकेशन पर होना जो है जरूरी है, इसके बारे में जानकारी आ रही है। तो फिलहाल के लिए 20 तारीख तक बताया जा रहा है कि इन चीजों को पूरा कर ले, ICDS कैश मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना काम शुरू कर दें। आगे बताना चाहेंगे, जो लेटर था निर्मला बहन है उनके द्वारा मुझे भेजा गया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ऐसे जो भी भाई बहन व्हाट्सएप पर कुछ भेजना चाहते वो भेज सकते हैं, बाकी पूछना है जो भी कहना है वो ऑल इंडिया पर आकर के कहो। वीडियो डेली देखो तो आपकी समस्याएं पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको पहले से ही पता होता रहेगा। आगे देखिए रेणु गुप्ता बहन है, उनका भी मैसेज है, पुष्टाहार वितरण में खामी पर पड़ी है फटकार, एक ये भी खबर छपके आई है। साथ ही नए आदेशों का आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने विरोध भी किया है। दो बड़ी खबरें आप लोग फटाफट देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं खबरों की तरफ, खेती बाड़ी वाली चीजों पर चर्चा करेंगे। फिरोजाबाद में आप देख सकते हो ये खबर छपी है, यहां पर जिलाधिकारी है चंद्र विजय सिंह ने सोमवार को जो अधीनस्थ के साथ बैठक वगैरह समीक्षा की है, जिसमें सब कुछ चीजें निकल के सामने आ रही है, पोषाहार वितरण में खामियां पाई गई है तो फटकार लगाई जा रही है अधिकारियों को। साथ ही बता दें यहां पर देखिए नए आदेश पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने विरोध वगैरह किया है, इसके बारे में आप देख सकते हो यहां पर जानकारी आ रही है चित्रकूट से। ये हमारी बहनें हैं जो 60 साल की जो हो चुकी है, दरअसल 62 वर्ष में रिटायरी हो रही है, उसी के संबंध में यहां पर 60 साल न्यूज़पेपर वालों ने लिखा जो कि गलत है, 62 वर्ष में रिटायरमेंट हो रहा है, आगे इसका भी उल्लेख है। सॉरी उन्होंने सही लिखा होगा, पूरा कुछ लिखा होगा। फिलहाल के लिए इन सब बातों पर बहुत ही पहले ऑल इंडिया ने चर्चा कर दी है, और ऐसे ही बहनों जो भी ज्ञापन वगैरह हमारी बहनें सौंप रही है आप लोग आगे बढ़ते रहो ऐसे ही जो चीजों को लेकर के, लेकिन खाली मत बैठो, प्रदर्शन करो, यो भी करो, लेकिन करना बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। थोड़ा बहुत प्रदर्शन ज्ञापन देने से बहनों कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कुछ जोरदार तरीके से नहीं होगा, सारे यूनियन एक होकर के इकट्ठा होकर के मांगों को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक 50-60 हजार की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें जमा नहीं होंगी एक साथ विरोध के लिए एक ही जगह पर, तब तक आपकी 62 वर्ष की रिटायरमेंट पेंशन ये कुछ मिलने वाला धुलने वाला नहीं है। ना मानो तो कहीं पर लिख करके आज रख लो, जब भी आप उसको समय मिले तो पढ़ते रहना कि सुधांशु ने एक बात कही थी तो आपकी वो सत्य होगी। हमें चाहिए संख्या बल बहुत ज्यादा। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, देखिए प्रियंका बहन है, उनका भी मैसेज है, सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं आपके आवश्यक जो है आपसे आवश्यक बात कहना चाहती हूँ कि ऑफिस में रोज मैसेज आता है, हमारे गांव मसीहा वगैरह ममसीहा वगैरह लिखा है, चौगाही में आने जाने में 4 किलोमीटर लगता है, और इसीलिए मुझे स्कूटी चाहिए, गरीब असहाय और दरिद्रों के ईश्वर का निवास होता है, इसीलिए माननीय मोदी जी की जो है कृपा स्कूटी वगैरह देने का कष्ट करें। हमारी बहन अनीता सिंह कोड नंबर 24 स्कूटी की मांग करती है सरकार से। तो ऐसी जो भी मांगे हैं जिसकी भी है भैया चैनल पर कमेंट आगे से करना, वहां पर जो भी होगा पढ़ करके बताया जाएगा। आज आखिरी टाइम है, मैंने सोचा धीरे धीरे बता दूं आप लोग को, पता चल जाए, फिर ये मत कहना कि व्हाट्सएप पर आने वाली चीजें आप दिखाते नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं आज तक दिखाता रहा तो उल्टा व्हाट्सएप वाले लोग क्या कहते हैं कि आप मेरी खबर को नहीं दिखाते हो, तो इससे अच्छा है व्हाट्सएप वाला हम दिखाना ही बंद कर देंगे। जिसका चैनल कमेंट पर आएगा अपना वीडियो भी तो देखो, क्योंकि वो वीडियो देखते नहीं है और सीधा बस भेज देते हैं, वीडियो उनको देखना नहीं होता, जो वीडियो देखेगा उसके मन में जो है समस्याएं रहेंगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन मैं करता रहता हूं। सतीश भाई जी
और हमारी दरअसल एक बहन है और ब्रजरानी बहन, उनके द्वारा ये पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। उनकी तस्वीर उन्होंने भेजी है। साथ ही एक और बहन है, सुमन पाल बहन है, उन्होंने भी मुझे तस्वीर भेजी है। साथ ही टीकाकरण हो रहा था। अगला ये मैसेज है भारत, यहाँ पर हमारी भानमती सरोज बहन है, उन्होंने मुझे भेजा है, अमेठी वगैरह से है, गौरीगंज से, तो उन्होंने जो भेजी। लालमली बहन है, उन्होंने भी मुझे एक तस्वीर भेजी है। साथ ही आगे ये मैसेज आया हरी हीरा रावत जी है, उनका मैसेज पहले पढ़ लीजिए। अभी हम सीधा उधर ही बढ़ रहे हैं क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा है, तो एक एक करके दिखा रहा हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश कमेटी की जो है ऑनलाइन बैठक में 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी बुजुर्ग आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बिना फंड पेंशन रिटायर जो है रिटायरमेंट के खिलाफ जो है जारी बिना पेंशन रिटायरमेंट मंजूर नहीं है, यही सब कुछ करके 16 से 18 अगस्त तक प्रदेश में माननीय मंत्री विधायकों को जो है ज्ञापन वगैरह देने का, 20 अगस्त को जो जिलाधिकारी और इन सबको यहां पर रखा गया। जिलाधिकारी है, उप जिलाधिकारी है, बाल विकास परियोजना अधिकारी है, इनको मुख्यमंत्री के नाम संबोधित करके ज्ञापन जाएगा। लेकिन बहनों ये आपका प्रदर्शन, चलो ठीक है जो भी करो, और कुछ ना करने से कुछ अच्छा है। हीरावती बहन है प्रदेश उपाध्यक्ष, में एक बात कहना चाहूंगा, छोटे मोटे चीजों से कुछ नहीं होगा। यानी आप ज्ञापन भले जिलाधिकारियों को हजारों बार दे आओ, होने धोने वाला कुछ नहीं है। आप कोर्ट के चक्कर पुरानी तरह से यदि जाओगे नियम कायदे कानून को लेकर के, मन में खोट होगा या कुछ भी होगा। क्योंकि 2012 में गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन ने कोर्ट वो गए थे, 2012 का भी कोई न्यारा दौरा करवा नहीं पाए। 12 से 20 आ गया, 8 साल गुजर गए, जिन बहनों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पैसा चंदा दिया भी होगा इस उम्मीद में कि यूनियन कोर्ट से लड़ाई लड़ेगा और हमें न्याय मिलेगा, तो आजकल वो बहनें भी हमारी दुनिया में नहीं होंगी। लेकिन समझना वही है कि जो भी करना सोच समझ के करना, जो भी आप ये कर रही हो बहनों, इसमें अभी कुछ हल नहीं होगा। हल बस एकमात्र यही है कि सभी यूनियन एक हो जाएं और सब मिलकर के लगभग 50-60 हजार की संख्या होनी चाहिए। इनमें नई भी बहनें शामिल हो, पुरानी भी बहनें शामिल हो, क्योंकि पुरानी आज रिटायर हो रही है, जो अभी आप लोग जिनकी सेवा रिटायर वाली नहीं हुई है 62-60 वर्ष की, तो ऐसे में वो आप कुछ दिन बाद हो जाओगी, तब आप परेशान होगी। तो सभी लोग मिलकर के जब सहयोग करें, हजारों लाखों की संख्या में जब आंगनबाड़ी एकत्र होंगी, अपने हक के लिए पेंशन की मांग करेंगी, रिटायरमेंट पर बात करेंगी, तो आपकी समस्याओं पर समाधान होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में ही 4 लाख बहने, हर राज्य में ऐसे आंगनबाड़ी है, इकट्ठा एक जगह यदि सब मिल जाए और ये मांग करें कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए, हर एक राज्य में आंगनबाड़ी को चाहिए, कहीं पर भी दिल्ली विल्ली में अगर इकट्ठा हो जाए ना, तो सरकारों के हाथ पैर पसीने सब छूट जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हम सब में एकता नहीं है, जिसका आप देख रहे हो कि हमारे भाई बहन जो छोटी मोटी बहनें हैं वो इधर उधर बस बटी हुई हैं, उनमें एकता नहीं है ज्यादा, तो इसी वजह से जो है यहां पर बस ज्ञापन और लेटरबाजी ही चलती है, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। अब हमारी ये बहन है मंजू सिंह बहन, उनका भी एक ये मैसेज मेरे पास आया है, ये उन्होंने जो ज्ञापन वगैरह सौंपा। लिखा, सुधांशु भैया, आज हम लोगों ने पूरे जिले में सभी ब्लॉकों में लेटर दिया है फोन की समस्या को लेकर, अगर 31 अगस्त तक रिचार्ज का पैसा नहीं आता है तो हमारा पूरा बहराइच जिला 5 सितंबर को अपनी परियोजना पर सारे फोन को CDPO सर कोहर वगैरह लाल कोहर हाल में जो है जमा करा देगा। भैया जी ये खबर जो है जरूर दिखाइएगा। मैं मंजू सिंह जो मिहिरपुरवा ब्लॉक से बहराइच से, तो बिल्कुल बहन हमारा फर्ज है आपकी आवाज उठाना, बाकी हमारा फर्ज ये भी है कि आपको रास्ता दिखाना। हम यही कहते हैं कि आप लोग एकता बढ़ाओ और भारी भरकम भीड़ के साथ में जब कुछ होगा प्रदर्शन सब यूनियन मिलकर के, और तब होगा। यूनियन मिलना नहीं चाहते, उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, आंगनबाड़ी की समस्या ही खत्म हो जाएगी, आंगनबाड़ी राज कर्मचारी बन गई या मानदेय की जगह वेतन मिल गया, पेंशन मिल गया, यदि सुविधाएं मिल गई, तो आंगनबाड़ी फिर इन यूनियन वालों की क्या सुनेंगी, कैसे आंगनबाड़ी से यूनियन वाले चंदा के तौर पर फिर आगे के लिए बुला पाएंगे कि चलो धरना करना है, चलो कोर्ट चलते हैं, चलो लखनऊ चलते हैं, चलो धरना करते हैं, लाओ पैसा लाओ, आप नहीं जाओगी तो हम लोग आवाज उठाएंगे, खर्चा लगता है, इन सब चीजों का हवाला देकर के आपसे पैसे कैसे वसूल पाएंगे। तो सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है, इसीलिए कोई चाहता नहीं कि आंगनबाड़ी का कभी भला हो, जो यूनियन चाहता है वो लगन मेहनत के साथ में धरने पर डटा रहता है, महीनों महीनों धरना करता है, और बहुत से लोग जो है इसी कारण इसी में बीच में फंसे रहते हैं। आगे देखिए अगला मैसेज, हमारी एक बहन है उन्होंने मुझे जानकारी भेजी है। अगला मैसेज ये आया, सविता श्रीवास्तव बहन है, उन्होंने भी मुझे ये फोटो वगैरह भेजी है, ड्यूटी वगैरह उन्होंने भी की है, ये विटामिन ए वगैरह और एल्बेंडाजोल की गोलियां वगैरह का अपना बांट वगैरह वो कर रही थी। आगे अब हम आ चुके हैं मेन खबर पर, जो जिसके लिए वीडियो था काफी लंबा समय चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए ये आया है मेरे पास, और इसमें जो लिखा हुआ है पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित इनोवेशन पायलट गतिविधियों के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन वगैरह विकसित करने के हेतु जो है दिशा निर्देश है, तो बहुत ही जरूरी खबर है। ये राजस्थान से लेटर आया है, सुरेंद्र पवार भाई जी उन्होंने मुझे भेजा है। अब हम आपको राजस्थान के सरकारी आदेश के अनुसार बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों क्या चल रहा है दरअसल खेती बाड़ी को लेकर के, कौन कौन सी सब्जियों की खेती सरकार जो है करवाने को आदेश दे रही है और कैसे क्या जिम्मेदारियां हैं, इसमें सब लिखा है। न्यूट्री गार्डन में लगाए जाने वाले पौधों का चयन कौन कौन से होगा, यानी कौन कौन से पौधे लगेंगे, और न्यूट्री गार्डन का रख रखाव और सुरक्षा की देखभाल कौन करेगा और कैसे करेगा, सब कुछ बताएंगे। पहले देखिए न्यूट्री गार्डन की स्थापना को लेकर के लिखा है कि न्यूट्री गार्डन की स्थापना सरकारी भवनों यानी विभागीय एवं अन्य सरकारी जो भवन है उनमें संचालित होने वाले समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाएगी। ये राजस्थान में भी है, ये बिहार में भी है, ये उत्तर प्रदेश में भी है, ये हर एक राज्य में है, क्योंकि ये राज्य पोषण मिशन वालों की तरफ से ये पोषण अभियान के अंतर्गत सब चल रहा है और पोषण अभियान के कार्यक्रम हर एक राज्य में लागू है। तो अब ये मत कहना कि मेरे राज्य से नहीं है, मेरे राज्य से नहीं है, तो समझिए और देखिए। लिखा है
न्यूट्री गार्डन विकसित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्र पर पर्याप्त स्थान व बाउंड्री वाल होना आवश्यक है। जहां कहीं बाउंड्री होगी वहां पर यह होगा, लेकिन सवाल यह है कि बाउंड्री होने के बाद भी क्या लोग बाग जो चोर टाइप के हैं क्या वो बाउंड्री में छलांग लगा करके या उधर जाकर के भी तो तोड़ सकते हैं, एक ये सवाल रहेगा। आंगन और गतिविधियां भी जो है प्रभावित नहीं हो तथा न्यूट्री गार्डन भी खराब ना हो, यह भी बताया जा रहा। तो न्यूट्री गार्डन खराब ना हो इसके लिए तो सरकार बोल रही है, तो इसकी सुरक्षा को लेकर के अभी देखेंगे क्या क्या बोला जा रहा है। न्यूट्री गार्डन का आकार आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध जगह एवं फलों एवं सब्जियों के पौधों की आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित करें तथा जगह का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाउंड्री वाल नहीं है, सर्वप्रथम वहां न्यूट्री गार्डन की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वाल जो है उसके बारे में लिखा है का निर्माण आवश्यक है। इस हेतु जिला कलेक्ट्रेट या संबंधित विभाग से समन्वय कर नरेगा आदि योजना के से जो है बाउंड्री वाल का निर्माण करवाएं। बाउंड्री वाल का निर्माण ग्राम पंचायत के सहयोग से ही किया जाएगा। न्यूट्री गार्डन विकसित करने हेतु समस्त कार्यों को सितंबर 2020 तक पूर्ण किया जाकर न्यूट्री गार्डन वगैरह विकसित कर दिया जाना सुनिश्चित करें। ऐसा आदेश आ चुका है आपके, सितंबर तक ये सारी चीजें पूरी भी हो जाएंगी। जहां पर बाउंड्रियां नहीं है वहां पर करवाई भी जाए, जिलाधिकारी से संपर्क करके नरेगा वालों से काम लिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप लोगों को मैं दे रहा हूं, और जो भी भाई बहन पूरा वीडियो देखते हैं भाई उनके लिए ही ऑल इंडिया है और उनकी ही मदद कर रहा है। जिनको चाहिए जानकारी वो पूरा पूरा वीडियो डेली का देखते हैं, अब उन्हीं को पता चल रहा होगा कि क्या क्या आगे होगा। जिनको नहीं देखना है तो भैया मत देखो, पर्सनल तो मैं बता नहीं पाऊंगा। आगे देखें, न्यूट्री गार्डन में लगाए जाने वाले फलों तथा सब्जियों को पौधों का चयन बच्चों की पोषण की आवश्यकता एवं क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर होगा। न्यूट्री गार्डन और हेतु पौधों का चयन इस प्रकार करें कि पूरी साल जो है फलों एवं सब्जियों की प्राप्ति हो सके। साथ ही सीजनल सब्जियों एवं फलों के पौधों के अतिरिक्त न्यूट्री गार्डन में औषधि पौधे हैं जैसे तुलसी है, गिलोय है, एलोवेरा है आदि का भी आप लोगों को जो है प्रयोग करना होगा, यानी लगाए जाएंगे। साथ ही न्यूट्री गार्डन की डिजाइन, बीज एवं पौधों के चयन, खाद्य तथा देखभाल आदि के संबंध में कृषि एवं जो आपका उद्यानिक विभाग अथवा अन्य विशेषज्ञों की राय भी ली जा सकती है। साथ ही कृषि एवं बागवानी का शौक रखने वाले स्थानीय संगठनों एवं नागरिकों का सहयोग भी न्यूट्री गार्डन को विकसित करने में लिया जा सकता है। अब ऐसे में आसपास स्थान में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे कामों में रुचि रखते हैं? अब रुचि तो कोई नहीं रखता, मुट्ठी भर लोग होंगे जो रखते होंगे, बाकी इसको चुराने के लिए, तोड़ने के लिए, दूसरों के खेतों से सब्जी चुराना तोड़ना, ऐसे लोग जो गांव में इनकी अधिकता ज्यादा होती है। और कैसे ये जो है यहां पर सब कुछ संभव हो पाएगा, सवाल खड़ा जरूर होगा। अब आगे देखते हैं न्यूट्री गार्डन का रखरखाव, सुरक्षा एवं देखभाल को लेकर के क्या कहा जा रहा है। लिखा है न्यूट्री गार्डन के रखरखाव एवं देखभाल की संयुक्त जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की होगी, यानी सारी जिम्मेदारी इसकी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की है। जैसे स्मार्टफोन आंगनबाड़ी को थमा दिए गए कि ये फोन आप रखो और इसकी सारी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से आपकी ही है, ये चोरी हो जाए, ये टूट जाए, फूट जाए तो आपके खाते से पैसे उड़ा लेंगे। ऐसा तो हर जगह हुआ ना, आपने देखा बिहार में भी हुआ, मैंने उत्तराखंड में भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, हर राज्य में हुआ। अब यहां पर भी देखिए, ये आपका जो ये सब बंद है ना खेतीबाड़ी करने का, केंद्रों पर सब्जियां उगाने का, इसमें भी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों की संपूर्ण जिम्मेदारी बताया जा रहा है, संयुक्त जिम्मेदारी होगी। तो ये देखभाल की, अब क्या वो 24 घंटे तो वहां बैठी नहीं रहेंगी कुर्सी डाल करके, अब वो जो आ जाएंगी अपने ड्यूटी के बाद में तो क्या वहां पर जो है आंगनबाड़ी क्या करेंगी? फिर वो तोड़ करके कोई ले जाए तो कैसे आंगनबाड़ी पर फिर बाद में दबाव बने, जैसे मोबाइल को लेकर के बनता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आंगनबाड़ी को देखनी है। और पौधे लाना ले जाना, क्या पौधे लगाने को लेकर के क्या सरकार पौधा भेजेगी या आंगनबाड़ी से ही अधिकारी बोल देंगे कि इतने जो है पौधे फला फला सब्जियों के मार्केट से जो है खरीद करके ले आओ और लगाओ, क्या ये सब कुछ होगा? इसमें भी आंगनबाड़ी पैसा फूके? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आगे आप लोगों को दिक्कत देंगी। ऑल इंडिया आज भी समझा रहा है कि कुछ सोचो समझो और करो। सरकार को यदि कुपोषण मिटाना है तो सरकार ऐसा करे ना कि गांव में कहीं भी प्रधान है उनसे बोलो, अपना एक बीघा आध बीघा जहां कहीं भी पंचायत टाइप की खाली जमीन पड़ी हो वहां पर प्रधान अपनी रख रखाव में जो है लगवाएं, क्योंकि प्रधान मुखिया होता है गांव का, वहां पर चोरी कम होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोई नहीं बचा पाएगा, तो इसलिए वहां पर आप सब्जी उगाओ, प्रधान को बोलो कि हर रोज जो है जो भी बच्चे आते हैं उनको पहुंचाएं सब्जी वगैरह जो भी फल उसमें लगे, तो ये चीज हो नहीं पाएगी। आंगनबाड़ी को ही मानसिक तनाव दिया जा रहा है। आगे देखिए, स्थानीय संगठनों तथा नागरिकों का सहयोग भी न्यूट्री गार्डन की देखभाल एवं प्रबंधन में लिया जा सकता है। स्थानीय लोग उसका रखरखाव नहीं करेंगे, उसका बिगाड़ करेंगे, क्योंकि अच्छाई करने वाले बहुत कम है, बिगाड़ भुगतने वाले बहुत लोग हैं। तो ऐसे में तोड़ करके वो ले जाएंगे, मेहनत आंगनबाड़ी करेंगे, ऊपर से दबाव अधिकारियों का प्रेशर बनेगा कि आंगनबाड़ी ये काम करे। अभी फल सब्जी लगी थी कहां गई, सब आंगनबाड़ी ही चुरा करके ले गई। अभी देखना आगे क्या क्या तकलीफें आएंगी इसी चीज को लेकर के, जो आपको समझनी होगी। सबसे जरूरी है कि इनमें पौधों को लगाने को लेकर के खर्चा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मोबाइल का तो खर्चा सरकार दे नहीं पा रही है, अब इसमें भी क्या वो देगी। तमाम चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगी। ऑल इंडिया अभी भी समझा रहा है और हर वक्त रहते आप लोगों को जानकारी देता है। आगे देखिए, बीज खाद्य पानी एवं पौधों की व्यवस्था करने तथा न्यूट्री गार्डन को विकसित तथा देखभाल करने में भी ग्राम पंचायत का सहयोग लिया जा सकता है। तो खाद्य उसमें लगाओ, खाद डालो, पानी लगाओ, भाई ये सब कुछ करो, बहुत तकलीफें होंगी यकीन मानिए। 24 घंटे आंगनबाड़ी उसमें बैठे
बैठी नहीं रहेंगी। ये भी सवाल है, पशु पक्षियों से बचाव को समुचित उपाय जैसे फेसिंग तथा शेल्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करें, इस हेतु जन भागीदारी अथवा ग्राम पंचायत का सहयोग भी लिया जाए। भैया कौन निर्धारक बैठा हुआ है जो जाकर के अपने गांव वाला आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये इन तरह की सब्जियों जो उगाई जाएंगी इन पर बैठ करके रखाव करेगा? अरे जिसको टाइम निकालना वो अपने लिए देखेगा कि तुम्हारे लिए देखेगा? इंसान अपना, किसान सभी लोग जो है गरीब आदमी, वो अपना खेत पर जानवरों से बचवा नहीं पा रहे हैं, उनसे खेत नहीं रखा पा रहे हैं। अब यहां पर ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर सब्जियां कौन रखाएगा? जो भी चोर टाइप के लोग हैं उनकी तो भैया बल्ले बल्ले होने वाली है आगे आने वाले समय में। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, और भी भाई बहनों दिखाते हैं लेटर में क्या है। ये देखिए, बीज पानी एवं खाद्य जो है उसकी व्यवस्था, इसमें लिखा बीज खाद्य तथा पौधे का क्रय सरकारी बीज के दुकानों तथा सरकारी नर्सरी से किया जा सकता है। अच्छी गुणवत्ता का बीज संभवतः देसी बीज ही उपयोग में लेवे, इसमें बारे में जानकारी। दुकान से खरीद तो की जाएगी, लेकिन इसके लिए यह नहीं लिखा है कि सरकार पैसा देगी आंगनबाड़ी बहनों तब खरीदना पड़ेगा, इसमें बारे में जानकारी नहीं है। इसमें सिर्फ लिखा है कि खाद्य जो है एवं पौधों का क्रय सरकारी बीज की दुकानों तथा सरकारी नर्सरी से किया जाएगा। सरकारी बीज की दुकानों पर आंगनबाड़ी बहनों जाओगी, ये भी देखना होगा कि फ्री में देते भी हैं या नहीं, कि वहां पर भी पैसे मांग लेते हैं, क्योंकि हर जगह तो आंगनबाड़ी जहां जाती है वहां पर इनसे पैसों की ही मांग होती है। आगे, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बीज एवं पौधों का क्रय मुक्त या रियायती वगैरह दरों में लिया जा सकता है। किसी भी स्थिति में न्यूट्री गार्डन में रासायनिक खाद्य व कीटनाशक का उपयोग नहीं करें, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कृषि विशेषज्ञों से राय ली जा सकती है। न्यूट्री गार्डन में यथासंभव ऑर्गेनिक खाद का भी प्रयोग करें, जिसकी व्यवस्था जन भागीदारी से वगैरह की जा सकती है। पानी की व्यवस्था हेतु पंचायत का जन भागीदारी से होगी ऑर्गेनिक खाद वगैरह को लेकर के। भैया ऑर्गेनिक खाद ऐसे मिलने वाली नहीं, उसके लिए पैसा लगता है, कौन पैसा देगा? आम आदमी क्यों देगा, वो अपना पेट नहीं पाल रहा है, और ये सब बस दिखावे हैं, चोचले हैं, बस जनता की जेब झाड़ने के। आगे देखिए, न्यूट्री गार्डन वगैरह को लेकर के लिखा है, पानी की व्यवस्था हेतु पंचायत का सहयोग भी लिया जा सकता है, बचे हुए अथवा उपयोगी पानी का उपयोग भी न्यूट्री गार्डन में किया जा सकता है। पंचायत की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन गाँव में कौन पंचायत वाले काम करने के लिए आएंगे? कोई झांकने नहीं आता, पंचायत भवन पड़े रहते, खंडहर हो जाते, कभी बैठक तक नहीं होती है। आगे देखिए, न्यूट्री गार्डन के जो एक कोने में छोटा सा गुड्डा, उसको लिखा है बनाया जाएगा कंपोस्ट वगैरह पिट वगैरह ऐसे लिखा हुआ है, जिसमें वेस्ट पानी वगैरह या अन्य जो है जैविक कचरा एकत्रित होगा, यानी गड्ढा खोद दिया जाएगा बड़ा सा, उसमें सारी चीजें जो है भरती रहेंगी, आगे जैविक चीजों को बनाने के लिए कचरा एकत्र किया जाएगा। उसमें फल एवं सब्जियों का संधारण होगा, इसके बारे में लिखा है। न्यूट्री गार्डन में उपयोग में लाए जाने वाले फल सब्जियों को लेकर के बातें हैं, जैसे प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों एवं सब्जियों का उपयोग किया जाए गर्म नाश्ते वगैरह खाने में। भैया इसमें लगेगा डेली तभी तो मिलेगा, इतना ही अगर डेली खाने के लिए सब होता आंगनबाड़ी का खुद ही कुपोषण मिट गया होता। अब आंगनबाड़ी ये करे तोड़कर कोई और ले जाए, तमाम तकलीफें देखने को मिलेंगी। उपयोग में आने वाले बाद जो है, उपयोग में आने के बाद बचे हुए कच्चे फलों एवं सब्जियों को दूसरे दिन उपयोग में लिया जाएगा, इसे तो इनके भंडारण की समुचित व्यवस्था की जाए। भैया कहां भंडारण होगा? क्या आंगनबाड़ी अब 10,000 का 15,000 का फ्रिज भी खरीदेंगी कि सब्जी जो बची है उसको सुरक्षित रखना है और उसको फिर कल उपयोग में लाना है? क्योंकि ऐसे रखेंगे तो शायद खराब हो जाए। भंडारण को लेकर के आंगनबाड़ी सब्जी तोड़ के लाएं, घर में लाएं, फिर ले जाएं, खाना बनवाएं, यह सब कुछ होगा, यानी बस आ गए अच्छे दिन, इससे बढ़कर के कुछ नहीं मिलेगा। आवश्यक होने पर गर्भवती धात्री माताओं को, कमजोर बच्चों के यहां भी इनकी आपूर्ति की जाएगी। वाह भाई वाह, घर घर जाओ, आपूर्ति भी करो सब्जियों की, जो जो कमजोर लोग हैं उनके घर जाकर के बांटो। वाह क्या नौकरी है भैया, 5,000 की सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है, लेकिन काम सरकारी अधिकारियों से भी बढ़कर के लिए जा रहे हैं। यहां पर लिखा, जिससे कि उन्हें भी पौष्टिक आहार मिल सके तथा इनको खाने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया जाए। हमारी बहनें चक्कर खाकर करके जो है सर्वे की ड्यूटियों में गिर रही है, उनकी तरफ उनके कुपोषण को, उनकी बीमारियों पर किसी का भी फोकस नहीं है, ना अधिकारी का, ना सरकार का, किसी का भी नहीं। अब यहां पर देखिए, काम लेने को लेकर के हर कोई आगे आ जाता है। कृषि एवं जो है उद्यानिक एवं पंचायती राज विभाग से संबंध वगैरह, इसमें भी लिखा है कि न्यूट्री गार्डन को विकसित करने में कीटनाशक के विकल्प, ऑर्गेनिक खाद, इसकी मात्रा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो आगे आपको बता दें, पंचायत, स्थानीय संगठनों एवं नागरिकों की भागीदारी क्या रहेगी? आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाउंड्री वाल एवं न्यूट्री गार्डन में क्यारी निर्माण में ग्राम पंचायत का सहयोग लिया जाएगा। बीज खाद्य पानी एवं पौधों की व्यवस्था करने तथा न्यूट्री गार्डन को विकसित तथा देखभाल करने में ग्राम पंचायत का सहयोग लिया जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत हो या कोई भी हो, सहयोग करने कोई नहीं आता, सारी जानकारी, सारा बोझ आंगनबाड़ी के मत्थे मढ़ा जाता है। देखिए, पशु पक्षियों से बचाव को समुचित उपाय तथा शेल्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायत का सहयोग भी लिया जाएगा। पानी की व्यवस्था हेतु पंचायत का सहयोग लिया जाएगा, अन्य अनुसार सहयोग भी लिया जाएगा। मॉनिटरिंग एवं दायित्व क्या रहेगा? लेखा, जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की न्यूट्री गार्डन को विकसित करने का देखभाल भी समस्त जिम्मेदारी संबंधित उपनिदेशकों की होगी। साथ ही लिखा है, जिला कलेक्टर तथा सभी संबंधित विभागों के समन्वय की जिम्मेदारी से संबंधित जो है उपनिदेशक की होगी। साथ ही ऐसे बहुत कुछ लिखा है, यहां पर लिखा है कि यहां पर डिजाइन करवाना, सीजन आधारित फलों की सब्जियां बनवाना, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिन पर अभी काम जो है होना बाकी है। आगे इन सब चीजों के बारे में जानकारी बहुत सी है, देखभाल, साफ सफाई, बहुत कुछ लिखा है। लिखा है, महिला पर्यवेक्षिका द्वारा फलों एवं सब्जियों की समुचित
सुरक्षित उपयोग का वितरण में सहयोग किया जाएगा। साथ ही सहायिका द्वारा नियमित रूप से न्यूट्री गार्डन की देखभाल करना, यानी सहायिका बहने दिन भर अपना देखभाल करेंगी इसी की, इन फल सब्जियों की। साफ सफाई करना, पानी देना, खाद देना, बेकार के पेड़ पौधों का झाड़ियों को हटाना, कटाई छटाई करना, सब्जियों एवं फलों को तोड़ना तथा खाने में उपयोग में लेना आदि में जो संबंधित सहायिका का काम बता दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा न्यूट्री गार्डन से संबंधित सभी कार्यों में सहयोग किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा दैनिक रूप से अपनी सुविधा अनुसार न्यूट्री गार्डन का रखरखाव एवं देखभाल भी किया जाएगा। तो आप लोगों ने ये देखा, साथ ही ये भी लिखा वित्तीय प्रावधान क्या है इस चीज को लेकर, यानी पैसा कितना आएगा। बहुत से लोग वीडियो छोड़ करके चले गए होंगे, लेकिन जो अभी भी टिके हैं ना उन्हीं को ये पता चल पाएगा क्या मिलेगा। न्यूट्री गार्डन के देखभाल हेतु प्रति आंगनबाड़ी केंद्र को एक मुक्त सालाना रुपए जो है यहाँ पर लिखा इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार रुपए है। जीरो पढ़ने में मुझे काफी दिक्कतें होती जब कॉमा वगैरह नहीं लगा होता है, तो यहाँ पर 10,000 रुपए है, ये सालाना 10,000 यानी साल में मात्र 10,000 रुपए बजट आएगा और इस मद में आएगा। प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन से आवंटित किया जा रहा है जिसका उपयोग न्यूट्री गार्डन के रखरखाव तथा खाद्य बीज पौधा एवं अन्य आवश्यक कृषि उपकरण आदि क्रय में किया जाएगा। तो ये 10,000 रुपए जो आएंगे वो उसमें खरीदने के लिए आएंगे, आंगनबाड़ी बहनों की मेहनत नहीं मिलेगी। तो ये आप लोग समझ लीजिए काम का बोझ बढ़ गया। न्यूट्री गार्डन में लगाए जाने वाले फलों एवं सब्जियों की जो सुचारू सुझात्मक सूची आप देख लीजिए कौन कौन से क्या कब लगाए जाएंगे। बारिश के सीजन में क्या लगेगा, बैंगन, लाल मिर्च जो है, मूली, धनिया, भिंडी, लौकी, कद्दू, करेला, तुरई, खीरा, पालक, नींबू, चुकंदर, शकरकंद, ये चीजें हैं जो बारिश के मौसम में लगाई जाएंगी। साथ ही सर्दियों में ये लगाई जाएंगी टमाटर, प्याज, पालक, फलिया, धनिया, पुदीना, गाजर, मेथी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, हरा मटर, नींबू, चुकंदर, अदरक, पपीता और ब्रोकली। ब्रोकली भैया लगाएंगे, वाह भाई वाह, इसकी कीमत पता है, गांव वाले जो है आपस में डंडा लाठी सब कर देंगे इसको खाने के लिए। तो अभी हम बता रहे हैं ना कितनी तकलीफें होंगी, आप लोग देखना गर्मी में क्या होगा। भिंडी, फलिया, बैंगन, मिर्च, ग्वार फली, नींबू, सहजन की कली, चुकंदर, करौंदा, करी पत्ता, अनार, अमरूद, ये सब लगाए जाएंगे। वाह भाई वाह, इतना पर्याप्त जमीन कहां पर होगा, सब कुछ हो जाएगा औषधि के लिए पौधे। और यदि लगाया भी जाएगा, मान लीजिए थोड़ा बहुत जगह होगा केंद्रों पर, ये सब कुछ लगा भी दिया गया एक एक पौधा दिखावे के लिए, क्या उससे डेली की चीजों में डेली उनको खिलाया जा सकता है उन्हीं चीजों से तोड़ करके। और पहली बार जब बचेगा तब खिलाया जाएगा, बचेगा ही नहीं खिलाया क्या जाएगा। ऊपर से मान लीजिए बच भी जाएगा तो क्या इतना सब कुछ होगा कि डेली ये उपयोग में लाया जाएगा, कुपोषण मिट जाएगा। कुपोषण मिटाना है तो लाभार्थी को उनके घरों में कुछ उनके खातों में सरकार क्यों नहीं डलवा देती डीपीटी लागू करके, अपना खाएं अपना जाने। आगे देखिए तुलसी, गिलोय एवं एलोवेरा का भी पौधा लगेगा, औषधि जो पौधे हैं उनमें। और इसमें यह फलों एवं सब्जियों की सुझावात्मक सूची है, उपयुक्त के अलावा स्थानीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर फलों एवं सब्जियों का चयन किया जाएगा। तो कहीं कहीं जहां की जैसी जलवायु है उसी अनुसार जो है आप लोगों को देखा जाएगा क्या क्या पौधे लगाए जाते हैं। साथ ही ये देखिए प्रपत्र भी आ चुका है, ये रहा आंगनबाड़ी केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन विकसित करने हेतु जो है वाले व्यय संबंधी मासिक प्रपत्र। ये आपका महीनावार एक प्रपत्र यानी प्रारूप आएगा, ये भरना होगा। ये राजस्थान के लिए है और भी राज्यों में यही काम धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, कोड नाम, संख्या, सेक्टर का नाम, परियोजना का नाम, जिला, मोबाइल नंबर, माह, वर्ष और व्यय का विवरण यानी क्रम संख्या, सामग्री, मात्रा, दर, कुल व्यय कितना है, प्रपत्र के साथ स्वयं प्रमाणित बिल भी हो, वाउचर आदि उपलब्ध हो, वो भी आप लोगों को लगाना होगा, कहां पर कितना खर्च किया उन्हीं 10,000 रुपयों का सबको देना होगा। मैं जो है यहां पर लिखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र शपथ पूर्वक या घोषणा करती हूं, यानी शपथ भी दिलाई जा रही है, शपथ घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा बजट न्यूट्री गार्डन से संबंधित गतिविधियों तथा सामग्री पर ही नियमानुसार व्यय किया जाएगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगी। वाह भाई वाह, जैसे मोबाइल में था अंगूठा लगवा लिया गया, ऐसे यहां पर भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का शपथ पत्र दे दिया गया है, बस हो गया काम। अब आगे देखो क्या क्या तकलीफें आती हैं। ऑल इंडिया ने अपना फर्ज निभाया है, जो भी बताना था मैंने बता दिया। आगे ये मेरे पास सुरेंद्र पवार भाई जी, उन्होंने ये जानकारी भेजी थी। आगे देखिए अगला मैसेज ये लगा, सविता शर्मा बहन है, उन्होंने भेजा है। साथ ही ये देख लीजिए घर घर जाकर के एल्बेंडाजोल की गोली खिला रही है, कासगंज जनपद से है। आगे ले चलते ये देखिए एक और मैसेज आया, रायबरेली से आशा तिवारी बहन है, उनको ये सब कुछ मिला, रजिस्टर, पेन, पेंसिल वगैरह, चार्ट वगैरह जो भी था वो सब कुछ। आगे देखिए अगला ये मैसेज आया है, इनमें लिखा है सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उर्मिला देवी, मैं हैंसर वगैरह ब्लॉक संत कबीर नगर से हूं और साथ ही मैं भी आपके दोनों चैनल से जुड़ी हुई हूं। मैं आपका वीडियो हमेशा देखती हूं और आपके वीडियो हर सच्चाई मिलती है। मेरा भी मानदेय सिर्फ 1,000 आया था और हमारे यहां सबका मानदेय मई थे, बाकी तो बहन इंतजार करो आ जाएगा। चैनल के वीडियो डेली देखा करो पूरे पूरे, जब भी जो होगा आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। आगे देखिए अगला मैसेज आया है, संजू राजपूत बहन है और उनके द्वारा जो भेजा गया ना इसमें मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं बहन आपको पढ़ करके क्या बताऊं, आगे बताना चाहेंगे इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आप देख तो बहन कहने आप इसमें समझा दो, और एक तो उल्टा है ऊपर से जो इसमें दिखाई भी नहीं देता। अगला मैसेज ये देखिए आया है, आंगनबाड़ी बहन है हमारी,
रंजना बहन उनके द्वारा भेजा गया है। अगला एक ये मैसेज आया है, बेबी पांडे बहन है उनके द्वारा भेजा गया है। अगला एक और ये मैसेज आया है जो कि हमारी उन्नाव से बहन है और आंगनबाड़ी बहन है धीरेन्द्र कुमारी वगैरह उनका है। साथ ही अगला एक ये मैसेज देखिए मीना बहन है उन्होंने मुझे भेजा है। साथ ही एक और मैसेज ये रहा मेरे पास इसमें आया, भाई साहब मैं जनपद अयोध्या तहसील सोहावल वगैरह से हूँ, मेरा नाम शशांक सिंह है, मेरी माता जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, भाई मेरी माता जी 62 वर्ष की हो चुकी है तो क्या इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा? तो भैया बिल्कुल रिटायर कर दिया जाएगा, मैंने सारी जानकारी पूर्व में ही बता दी है, चैनल पर डेली बताया है, जो जो वीडियो देखते हैं पूरा रोज का उनको जानकारी ऑल इंडिया समय से पहले बता देता है, बहुत समय पहले ही हमने ये सारी चीजें बता रखी थी और वो आप लोगों को जाने कब पता चल पाता है। तो इसीलिए जागरूक हो, समय निकालो भाई, वीडियो देखो, आपके ही काम की खबरें मेहनत स्वरूप हम लाते हैं। तो अभी आपको ये भी बता दें जो 62 वर्ष की हमारी बहनें हो चुकी हैं उनका जुलाई से मानदेय भी नहीं आएगा, ये भी याद रखिए, जहां जहां लेटर निकल चुके हैं वहां पर भी नहीं और जहां लेटर अभी बाकी है वहां पर भी नहीं। यदि जुलाई तक आपकी 62 वर्ष की उम्र हो चुकी है तो आप सब आंगनबाड़ी बहनों रिटायर होंगी और क्योंकि एकता हो नहीं पाएगी, 60-70 हजार बहनें कभी विरोध के लिए खड़ी नहीं हो पाएंगी और कभी भी ये लेटर वेटर थमाने से आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी और कोर्ट जाने से भी समस्या सॉल्व ऐसे नहीं होंगी जब तक सही नियत नेक नियति के साथ कोर्ट कोई नहीं यूनियन आगे बढ़ता, क्योंकि 12 में तो यूनियन गया था उसका 1% भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, उल्टे यहां पर हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें उम्मीद लगा करके बैठी होंगी वो भी आज इस दुनिया में नहीं होंगी। तो वही समझाना है और कहना है कि 62 वर्ष की बहनों को लेकर के जुलाई से आपने जो भी मेहनत की है जुलाई अगस्त में इसका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जुलाई से मानदेय पर रोक लगाने का आदेश कई मैंने आप लोगों को समय समय दिखाए हैं, जो भी आप लोगों को वीडियो देता रहता हूं एक एक करके देखा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको कोई टीवी चैनल वाला नहीं बता सकता, क्योंकि वो पर्सनल किसी एक विभाग को लेकर के नहीं चलता, ऑल इंडिया सुधांशु पटेल पर्सनल आपकी समस्याओं को लेकर के चल रहा है, तो जानकारी बहुत ही अहम मिलती है। तो मिलेंगे आपको दोस्तों अगले वीडियो में और दोपहर